हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 111। मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ ग्रुप रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपको कौन बहुत ज़्यादा चाहते हैं, कौन आपको पाना चाहते हैं, कौन आपके करीब आना चाहते हैं, कौन है वो इंसान जो कि ऑलरेडी आपके प्यार में है। तो उस इंसान के बारे में डिटेल में जानेंगे कि आखिर वो इंसान है कौन, जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके कि कौन है वो इंसान जो आपसे प्यार करते हैं एंड आपको पाना चाहते हैं। सो आज आपको अपने नाम का फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट करना है। तो अगर आपके ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर DEF KJLQPRVXWZ है तो आपको ग्रुप वन चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का इनिशियल ABCGHIONMSTY या U है तो आपको ग्रुप टू चूज़ करना है। यह है ग्रुप वन, यह है ग्रुप टू। अब अपने नेम के अकॉर्डिंगली पाइल सिलेक्ट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हो इसे, चाहे आप सिंगल हो, कमिटेड हो, मैरिड हो, एक्सेट्रा, ओके, या फिर सेपरेटेड हो, जो भी है आपका सिचुएशन आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। टैरो क्लासेस एंड कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस, कैंडल मैजिक क्लासेस में अभी ऑफर चल रहा है, डिस्काउंटेड फीस में एनरोलमेंट हो रही है। सो अगर आप डिस्काउंटेड फीस में सीखना चाहते हो ऑनलाइन घर बैठे प्रोफेशनल वे में, तो ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप में, इंस्टा में कॉन्टैक्ट कीजिए और क्लासेस के लिए एनरोलमेंट करवा लीजिए। पेड रीडिंग बुकिंग अभी और 2 दिन के लिए ओपन रहेगी, सो अगर आप अपनी बुकिंग करवाना चाहते हो जल्द से जल्द अपने स्लॉट बुक करवा लीजिएगा। और क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी सर्विसेज आपको अवेल करनी है थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू इंस्टाग्राम आप कर सकते हो, डिटेल्स गिवेन है, वीडियो के कॉर्नर में भी व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा आपको। सो चलिए बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर वन, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWXZ है तो देख लेंगे कि आपको सच में कौन प्यार करते हैं, कौन इंसान आपको पाना चाहते हैं। बहुत अक्यूरेट डिटेल रीडिंग होगी, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, ओके। सो चलिए देख लेते हैं, इसे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ऑल राइट, सो लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो आज जो है कोई भी रिवर्सल्स नहीं लूँगी मैं, ओके, क्योंकि यहाँ पर उसी तरीके से एनर्जी चैनल हो रही है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द हेरोफेंट। वाओ, ग्रेट एनर्जी। ओके गाइज, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 3 ऑफ कप्स। ओके, सो देख लेते हैं कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहते हैं, ओके। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये एक ऐसे इंसान है जो कि आपके ऊपर ऑब्सेस्ड है, लाइक लिटरली दे वॉन्ट योर अटेंशन, वो आपका समय चाहते हैं, आपके तरफ से उनके लिए वो इंटरेस्ट चाहते हैं, एंड आपके तरफ से अट्रैक्शन तो डेफिनेटली वो चाहते ही हैं, प्यार चाहते ही हैं। ये कोई ऐसे इंसान है जो कि आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, और ये कोई ऐसा इंसान भी है जिनके लिए आपके अंदर एज सच कोई फीलिंग्स नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। इस इंसान को आप जानते हो, क्लियरली मुझे यहाँ दिख रहा है, इस इंसान को आप ऑलरेडी पहचानते हो, इस इंसान से आप मिल चुके हो, ठीक है। ये इंसान को हो सकता है कि आपने नॉर्मल डेट किया हो, नॉर्मल हैंगआउट किया हो इस पर्सन के साथ, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, या फिर काम के सिलसिले में या किसी ना किसी वर्क रिलेटेड एरिया में आप इस पर्सन को जानते हो, ठीक है। लेकिन आप उतने ज़्यादा इमोशनली या अट्रैक्शन लेवल पर इस पर्सन के साथ कनेक्टेड नहीं हो, ना ही आपके मन में कोई इच्छा है इस पर्सन को लेकर, और ना ही कोई ऑब्सेशन है, ठीक है। सो फर्स्ट चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही है कि आपके ये जो पर्सन है ये प्रेजेंट लाइफ में आपके मौजूद हैं। और ये इंसान को हो सकता है कि आप ब्लॉक कर देते हो, मतलब नॉर्मल वाला ब्लॉक नहीं कह रही हूँ,
ब्लॉक मतलब हो सकता है कि अगर ये इंसान मैसेज कॉल करते हैं तो हो सकता है आप रिप्लाई नहीं करते, या फिर अगर ये यू नो इंटरेस्ट शो करते हैं तो आप इग्नोर कर देते होंगे। तो इस तरीके की चीज़ों की वजह से चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि इस पर्सन के साथ ना आपकी आपका एक बैरियर क्रिएट हो गया है, जिसे वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और नो मैटर वो कितनी कोशिश करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप तक पहुँचना नामुमकिन है, या फिर आपके साथ वो कभी कुछ आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। इट इज़ वेरी टफ फॉर देम, ऐसा उन्हें फील होता है। ठीक है, तो ये कोई ऐसे इंसान है जो कि एफर्ट देने के लिए रेडी है, एफर्ट देते भी हैं, लेकिन आप हो सकता है कि कुछ रेसिप्रोकेट नहीं करते हो, या फिर इनका एफर्ट हो सकता है आपको दिखता भी ना हो और आपके माइंड में कुछ ऐसे इंटेंशंस ना हो। एंड ये पर्सन बहुत बार रेस्टलेस हो जाते हैं क्योंकि इन्हें आप चाहिए हो। ठीक है, इन्हें आपके अंदर वो हर एक चीज़ दिखती है जो उन्हें एक यू नो लवर के अंदर या एक लाइफ पार्टनर के अंदर चाहिए। ठीक है, आपके अंदर हर एक चीज़ है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी हर एक क्वालिटी उन्हें पसंद है, जिस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन करते हो, जिस तरीके से आप लाइफ जीते हो, जो आपका काम है, जिस तरीके से आप बातें करते हो, जिस तरीके के आपके पर्सपेक्टिव है, संभव वो आपको पूरी तरीके से भाप चुके हैं कि आप कैसे इंसान हो। तो दे लाइक यू अ लॉट, वो इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं। और ये कोई एक ऐसे इंसान है जो कि आपसे बहुत बड़े हो सकते हैं, या आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड हो सकते हैं, या फिर आपसे ज़्यादा हायर पोस्ट पोजीशन में, या फिर अचीवमेंट इस पर्सन के आपसे ज़्यादा होंगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ क्लियर दिख रही है। ठीक है, और आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन अगर बड़े नहीं भी होंगे तो एटलीस्ट ये पर्सन ने आपसे ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया है अभी तक। ठीक है, तो आपसे हायर एनर्जी में ये पर्सन कहीं ना कहीं है, अगर हम प्रोफेशनल वे में, मटेरियल वे में देखें तो ये चीज़ यहाँ पर सामने आ रही है। ठीक है, ये जो भी इंसान है, ये इंसान डेफिनेटली आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, एंड ये इंसान आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। और इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इनको हज़ारों एफर्ट डालने पड़े तो वो उस चीज़ को डालने के लिए रेडी है, लेकिन उन्हें आपकी तरफ से 1% का कोई एनर्जी रिसीव नहीं हो पा रहा है, जिस को फील करके वो कॉन्फिडेंट फील करें एंड आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करें। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। बट ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की, आपसे मिलने की कोशिश ज़रूर करते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ आ सकता है कि ये पर्सन कौन है। ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन की अर्थ साइन बहुत, मतलब इनके राइजिंग में या फिर मून साइन में अर्थ साइन हो सकता है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है ये जो भी पर्सन है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वीआईपी पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जो भी इंसान है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा वेल नोन एंड बहुत ही ज़्यादा दूर के पहुँचे हुए इंसान मुझे यहाँ दिख रहे हैं। एंड ये जो भी इंसान है मुझे यहाँ दिख रहा है, बहुत स्पिरिचुअल है एंड रिलीजियस भी है। एंड कहीं ना कहीं इनकी और आपकी कनेक्टिविटी रिलीजियस मैटर में या स्पिरिचुअलिटी में किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट करती है, जिसके वजह से इस पर्सन का ऑब्सेशन आपके प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ये पर्सन मीडियम स्किन टोन के हैं। ठीक है, मतलब जो इनका कलर है, स्किन कलर, वो बहुत गोरा भी नहीं है, बहुत काला भी नहीं है, मीडियम। ठीक है, मीडियम व्हीटिश स्किन टोन मुझे इस पर्सन का नज़र आ रहा है। ये पर्सन अच्छे खासे टॉल है, ये पर्सन बहुत बैगी क्लोथ्स पहनते हैं, एंड इस पर्सन की बॉडी सॉफ्टर साइड में है, थोड़ी सी लिटिल बल्जी, थोड़े से फैट डिपोजिशन है, बट स्टिल ये चबी या फिर बहुत मस्कुलर नहीं है, एक मीडियम फिजिक में है, जहाँ पर इनके हैंड्स, बॉडी, सब कुछ थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट है। ओके, सो दे आर क्वाइट क्यूट। एंड इस पर्सन की बियर्ड मुझे दिख रही है, अच्छी खासी बियर्ड है। इस पर्सन की आईज़ स्माइल बहुत अच्छी है, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी है, एंड बहुत ज़्यादा यू नो मिस्टीरियस तरीके से अपने अपीयरेंस को ये बना कर रखते हैं। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव गोइंग विद द फ्लो। तो ये जो भी पर्सन है ना, इस पर्सन के साथ आपकी थोड़ी बहुत तो कनेक्टिविटी है, चाहे वो फॉर्मल वे में हो या पर्सनल वे में हो, बट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना कि इस पर्सन का प्यार आपके लिए बहुत बढ़ चुका है, एंड अब यू नो चाहते हैं कि ये अब कुछ भी आगे बढ़े तो आपके साथ ही आगे बढ़े। तो ये कहीं ना कहीं वेट नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंस नहीं रख पा रहे, इनको जल्दी जल्दी आपके साथ प्रोसीड करना है, जल्दी जल्दी इनको यू नो प्लानिंग करनी है, आपके साथ कनेक्शन में आना है। तो मुझे इनके तरफ से बहुत इम्पल्सिव एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इन्होंने कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया है कि ये आपको चाहते हैं, इनको आपसे प्यार है, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, इनकी अट्रैक्शन लेवल एकदम पीक पॉइंट में है आपको लेकर, मतलब आपको हद से ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, आपके लुक से, आपके तौर तरीकों से, आपके रहन सहन
से, सारी चीज़ों से. एंड ये बस ना मतलब ऐसे है कि या तो आप या तो कोई नहीं, ठीक है. तो इस तरीके के डिसीजन में ही आ गए. सो दिस पर्सन इज सीक्रेट लवर और यू नो बहुत पॉजिटिवनेस है इस पर्सन के अंदर, बट स्टिल दे कांट शो यू, ठीक है. एंड ऑब्सेशन तो बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है, क्योंकि इस पर्सन के साथ आप बहुत डीपली नहीं गए हो, ठीक है. ये पर्सन आपको पर्सनली बहुत अच्छे तरीके से आपको जानते नहीं हैं, आपको समझे नहीं हैं, लेकिन स्टिल ये मान चुके हैं या कि या तो आप या तो कोई नहीं. ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, ऐसा वाला जुनून मुझे दिख रहा है. वी हैव स्ट्रेस. सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके बिहेवियर के वजह से खुद बहुत बार क्रेजी भी फील करते हैं, ठीक है. बहुत बार इनको मतलब गुस्सा भी आ जाता है कि आप क्यों रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो या क्यों इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, उनके अंदर क्या कमी है, सेल्फ डाउट में आ जाते हैं. तो दिस पर्सन इज़ क्वाइट क्रेजी गाइस, क्योंकि ये आपके प्यार में तो है, लेकिन जब आप हो सकते हैं रिस्पॉन्स नहीं देते हो या फिर आपकी तरफ से उन्हें कोई भी अटेंशन नहीं मिलता, तो ये बिल्कुल पागल हो जाते हैं. इनको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, और ये बहुत ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है. ये पर्सन जो भी है, इस पर्सन के हेयर जो है, हेयर लाइन वो थोड़ी सी थिन हो सकती है, ठीक है. एंड थोड़े से लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो थर्ड जेंडर हो, इनके बाल थोड़े लंबे होंगे, ओके. ये पर्सन गाना गाते होंगे अच्छा खासा, या म्यूज़िक इंडस्ट्री वगैरह में कनेक्टेड हो सकते हैं, किसी तरीके के प्रोड्यूसर हो सकते हैं. इस पर्सन को गेम्स वगैरह खेलना या वर्कआउट करना, योगा करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, जैसे कि किसी भी तरीके के हार्ड एक्टिविटीज़, जैसे कि किसी तरीके के स्पोर्ट्स या फिर जिमिंग एक्सेट्रा, ये सब ये डेफिनेटली करते होंगे. दे लव टू बी एक्टिव, उनको एक्टिव रहना बहुत पसंद है. सोशलाइज करना इस इंसान को बहुत पसंद है. इस इंसान के फ्रेंड सर्कल या जानने पहचानने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है. इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको चुना या फिर आप इन्हें मिल गए, तो इनके दिल के दरवाजे जो हैं वो खुल जाएंगे और इनके साथ सब कुछ अच्छा होगा और इनको सच्चा प्यार मिल जाएगा. तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा उम्मीद है कि आज नहीं तो कल आपका प्यार उन्हें ज़रूर मिलेगा. और अगर आप उनके ऊपर अभी इंटरेस्टेड नहीं हो, तो अगर एक बार आप उन पे इंटरेस्टेड हो जाते हो, तो आप डेफिनेटली उन्हें बहुत प्यार दोगे. मतलब आप एक लवेबल पर्सन हो, इस बारे में इस इंसान को कहीं ना कहीं पता लग गया है. तो दिस पर्सन एग्जिस्ट इन योर लाइफ एंड यू नो देम. इस इंसान को आप जानते हो, ऐसा नहीं है कि कोई दूर से सीक्रेट एडमायरर है. नो, यू नो दिस पर्सन एंड समहाउ आपको आइडिया भी हो सकता है कि समहाउ दिस पर्सन लाइक्स यू, ठीक है. ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है. तो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आया. अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज. तब तक के लिए बाय बाय पाइल वन. हेलो पाइल नंबर टू. अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए बी सी जी एच आई ओ एन एम एस टी वाई या यू है, तो देख लेते हैं कौन है वो इंसान जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपको पाना चाहते हैं, ठीक है, जो ऑब्सेस्ड है आपको लेकर. सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो. बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो लेट्स सी गाइस, तो इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है. लेट्स चेक. तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए. So we have the chariot card, we have death card, we have the sun card, we have the tower card. ओके एंड बड़ों के टेक्स से वी हैव द स्टार कार्ड. ओके, सो देख लेते हैं कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहते हैं.
इस पर्सन की साइन सन मून या राइजिंग में एरीज लियो सजिटेरियस ज़रूर होगी, ठीक है। और मून साइन में, खास करके मून साइन में इनकी स्कॉर्पियो या कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये साइंस में मैंने बता दिया जो क्लियरली यहाँ पे दिखा। ये कोई ऐसे इंसान है जो करंटली किसी ब्रेकअप से निकल रहे हैं, या फिर ये पर्सन के साथ आपकी सेपरेशन हुई है, ये इंसान आपके पास्ट से है। इस इंसान के साथ आपकी किसी भी तरीके की कनेक्टिविटी पहले थी, या तो दोस्ती थी, 50% के लिए मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है, या तो इनके साथ आपकी दोस्ती थी, या तो रिलेशनशिप था, या फिर रिलेशनशिप है अभी भी, लेकिन अभी वो इमोशन या वो स्टेबिलिटी नहीं है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो कोई ना कोई कनेक्टिविटी पास्ट में अच्छी थी आपकी इस इंसान के साथ, एंड वही पास्ट वाले इंसान आपको अभी भी प्यार करते हैं, अभी भी आपको पाना चाहते हैं, अभी भी आपकी ज़िंदगी में बरकरार रहना चाहते हैं, एंड आपके ज़िंदगी में वो आपका साथ देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सारे प्रॉब्लमों को, सारे नेगेटिविटी को, सारी चीज़ों को दूर करना चाहते हैं। बाकी लोगों के लिए 50%, बाकी लोगों के लिए अगर आप एकदम सिंगल हैं, चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि ये इंसान कोई ऐसे इंसान है जो जिन्होंने रिसेंटली आपको देखा है, लेकिन वो खुद ऑलरेडी किसी सेपरेशन से निकल रहे हैं, एंड निकलते निकलते उनका ध्यान आपके तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इंस्टेंट मूव ऑन जिसे कहते हैं, वो फेज से ये पर्सन गुजर रहे हैं, क्योंकि इन्हें आप मिले हो, एंड कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट आपके प्रति बिल्ड हो गया है, एंड दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ कि वो किस तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं। सो चांसेस हैं कि आप इन्हें नहीं जानते हो 50% लोगों के लिए, बट ये इंसान आपको जानते हैं 50% के लिए, और बाकी 50% के लिए दिख रहा है कि इस इंसान को आप जानते हो, या तो आप उनके साथ अभी रिलेशनशिप में हो उस इंसान के साथ, या फ्रेंडशिप में हो, या सिचुएशनशिप में हो, बट चीज़ें आप दोनों की सही नहीं चल रही है, या फिर ये इंसान आपके एक्स पार्टनर है, एक्स फ्रेंड है, या कोई भी पास्ट का इंसान है जिनके साथ आपकी कभी कनेक्टिविटी थी, बट खराब टर्म्स में ख़राब हुई सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी इस पर्सन के इमोशंस आपके लिए बदले नहीं हैं। अभी भी ये इंसान आपके लाइफ में आना चाहते हैं, अभी भी ये इंसान सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, अभी भी आपको उतना ही प्यार करते हैं, अभी भी आपके साथ जो है ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं, आपके साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, आप दोनों के बीच में खुशियाँ लाना चाहते हैं, और दूसरा चांस, मौका, नई शुरुआत की एक्सपेक्टेशन ये इंसान कर रहे हैं। ये इंसान जो भी इंसान है आपसे थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक है, लाइक 6-8 किलोमीटर दूर, या फिर एकदम दूसरे सिटी कंट्री में भी हो सकते हैं, ठीक है। आप जिस कॉलोनी में या फिर जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में ये बिलोंग नहीं करते, उसके दूसरे साइड, दूसरे डायरेक्शन में ये इंसान रहते हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए तो ये इंसान आपसे बिल्कुल दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री में रहते हैं, ओके। एंड ये जो भी इंसान है, ये इंसान बहुत ज़्यादा यूथफुल है, एज इनकी कुछ भी है बट बहुत ज़्यादा यंग दिखते हैं, बहुत यूथफुल है, बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड, बहुत ज़्यादा इंजॉय करना इनको पसंद है, घूमने फिरने का एक्सट्रीम शौक है, ये इंसान एक ट्रैवलर है, इनको घूमना बहुत पसंद है, शॉपिंग पे जाना, ऐश करना, ठीक है, लाइफ को अच्छे से जीना, खुल के खाना पीना खाना, ये सब बहुत पसंद है, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ये जो भी इंसान है इनके फेस में वो ग्लो, वो पावर है, इनके आई कांटेक्ट इनके साथ बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर की जो ऑरा है वो इनके आईज़ के थ्रू निकल के आती है, और इनके अंदर एक अलग ही मैग्नेटिक पावर है, तो सब लोग इनके एनर्जी के साथ डील नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग इनसे इंटिमिडेट हो जाते हैं। चांसेस दिए कि आप भी इंटिमिडेट हुए हो इस पर्सन से बहुत बार, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये बहुत ही ब्राइट इंसान है, सक्सेसफुल इंसान मुझे दिख रहे हैं, और ऐसे इंसान हैं जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कर्म पे बिलीव करते हैं, आप एफर्ट्स पे बिलीव करते हैं, तो ये इंसान इजीली गिव अप करने वालों में से नहीं दिख रहे हैं। तो अगर ये इंसान आपके पास से है तो मुझे लगता है कि अभी तक वो मूव ऑन नहीं किया उन्होंने, ना वो करना चाहते हैं, ना वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, वो जितना मेहनत कर सकते हैं रिश्ता को संवारने के लिए उतना वो करना चाह रहे हैं अभी भी, ठीक है। और अगर वो अभी, जैसे मैंने बताया कि एकदम सिंगल हैं, तो वो अपने सेपरेशन से, ब्रेकअप से निकल रहे हैं, एंड जल्द वो अपना माइंडसेट को ठीक कर रहे हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को, एंड देख रहे हैं कि किस तरीके से वो आपके तरफ आ सकते हैं, आपको अप्रोच करने के लिए, आपको प्रपोजल देने के लिए, बेसिकली ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत फेमस हो सकते हैं, ठीक है, ये किसी तरीके के आर्टिस्ट, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत फेमस हो सकते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है, सबके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए कंफर्मेशन आ रहा है कि जो भी इंसान है आपके ट्विन है, द आउटसाइडर, यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपके बारे में देखते हैं, बट अभी कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे दूर है, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है।
ठीक है। और अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो ना, लाइक आपके कोई लवर हैं, हस्बैंड वाइफ, या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई है, उनके साथ आपके टर्म्स ठीक नहीं चल रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच की ना इमोशनल दूरियाँ बहुत बढ़ गई है। आप दोनों पास तो हो, मिलते तो हो, बात तो करते हो, लेकिन जो पहले इमोशनल कनेक्टिविटी थी वो डिस्कनेक्ट हो गई है, और आप दोनों ने एक दूसरे के लिए दिल का दरवाज़ा कहीं ना कहीं बंद कर दिया है। और इस पर्सन को वो चीज़ के बारे में पूरा पता है, एंड वो मेहनत करना चाहते हैं कि ये दिल का दरवाज़ा आप दोनों के अंदर फिर से एक दूसरे के लिए खुले। तो वो डेफिनेटली एफर्ट डालना चाह रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो एफर्ट डालना तो चाहते ही हैं, एंड वेज ढूंढ रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। वी हैव द क्रिएटर। ओके, सो ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, एंड इस पर्सन ने ही आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ इनिशिएट किया होगा, या फिर अभी आ रहे हैं ये पर्सन आपके, ऑन दी वे है ये पर्सन आपको खुद बहुत जल्द इनिशिएट करेंगे, बहुत जल्द आपसे बात करने की, आपको प्रपोजल देने की कोशिश करेंगे, या ऑफर देंगे आपको किसी भी तरीके का, ठीक है। बहुत जल्द ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, कमिटमेंट से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, इंगेजमेंट से रिलेटेड, इस तरीके की प्रपोजल इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली आपको बहुत जल्द रिसीव होगी। वी हैव फाइटिंग। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ये जो भी पर्सन है ये अपना 100% देंगे अभी, ठीक है, आपको पाने के लिए। एंड इस इंसान का अभी का मेन मोटो यही है कि एफर्ट डालना है, आपकी तरफ आना है। वो ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे हैं कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, या आप रिसिप्रोकेट करोगे या नहीं, बट ये अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपीयरेंस इनका ये बहुत यंग दिखते होंगे, बहुत क्यूट फेस होगा इनका, थोड़े से फेस जो है इनका चबी फेस होगा। फिजिक इनकी ऑलमोस्ट अगर मेल है बहुत मस्कुलर होगी, अगर ये फीमेल है तो थोड़ी सी चबियर साइड में होंगी। हाइट इनकी मीडियम है, ठीक है, बहुत शॉर्ट नहीं, बहुत ज़्यादा टॉल नहीं। फेशियल फीचर्स बहुत शार्प हैं, बहुत खूबसूरत आँखें, बहुत खूबसूरत आईब्रो, बहुत खूबसूरत नोज़, बहुत खूबसूरत लिप्स है, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग स्किन है इनकी। येलो अंडरटोन में ये इंसान होंगे, येलो येलोविश येलोविश बॉडी कलर होगा इनका, ठीक है, मतलब अगर गोरे भी हैं तो भी इनका यू नो बहुत ज़्यादा बॉडी कलर अंडरटोन जो है वो पीला पीला होगा। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, एंड बहुत ही ज़्यादा वाइज, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, एंड अपने एज से कहीं गुना ज़्यादा मैच्योर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन ये है जो भी इंसान है। ओके, एंड इनका बहुत ज़्यादा सोसाइटी में नाम होगा, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन ये इंसान मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है ये। एंड पॉलिटिक्स, एंड ये जो भी इंसान है इस पर्सन के अगेंस्ट आपको बहुत लोग मिलेंगे, या फिर हो सकता है पहले भी मिला हो या अभी भी मिल रहे हैं, जो लोग आपको ब्रेन वॉश करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और आप इनको लेकर नेगेटिव हो जाते हो या हो गए थे, या फिर आप फ्यूचर में चांसेस रहेंगे कि आप इनको लेकर नेगेटिव हो, बिकॉज ये इतने पावरफुल इंसान हैं, इतने ज़्यादा अच्छे इंसान हैं कि ऐसा इंसान आपका मिलना, आपके लिए मिलना एक लक से कम नहीं है। तो ये जब आपके लाइफ में आएंगे, या फिर हो सकता है आ चुके थे, तो तब बहुत सारे लोग आपके फैमिली या फ्रेंड्स में थे, जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहेंगे वो आपका ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आप इनसे दूर हो जाओ, या आप इनको प्यार ना करो, या फिर यू नो आपके मन में इनको लेकर डाउट्स आने शुरू हो जाएं। तो ये चीज़ ज़रूर होगा, तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कनेक्शन को लेकर या इस पर्सन को लेकर खुद से इन्हें जानने की कोशिश करो, इनको समझने की कोशिश करो, दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व मत करो इन्हें, और ना दूसरे लोगों से सजेशन मांगो, और ना दूसरे लोगों की बात सुनो, ठीक है। दिल से अगर आप इस रिश्ते को अपनाते हो तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि दिल से आप इस रिश्ते को निभाओ, दिल से इस इंसान को समझो, रादर देन किसी और के बातों में आकर कुछ करने से अच्छा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो हेटर्स आप दोनों के कनेक्शन के बीच में या तो पहले से थे, थर्ड पार्टी पहले से थी, या यू नो हेटर्स आपके आने वाले वक्त में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इस पर्सन को चाहने वाले बहुत हैं, तो वो लोग तो डेफिनेटली वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी सेंड करेंगे, और आप आपके भी कनेक्टेड जो लोग रहेंगे वो लोग भी चाहेंगे कि आपको इतना अच्छा इंसान ना मिले, ठीक है। तो ये जो भी इंसान है मुझे बहुत अच्छे इंसान नज़र आ रहे हैं। सो या गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टू